जीके 24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम बिट्टू शर्मा है और इनकी उम्र जो है वो 25 साल है और दो दिन से ये लापता है। परिवार का बेहद ही बुरा हाल है। मैं आपको बता दूं कि परिवार जो कि डोडा के कुल्हान से ताल्लुक रखता है और इस समय जम्मू में पहुंचा हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू में जो है वो अपने बच्चे का इलाज करने के लिए परिवार जो है वो यहाँ पर पहुंचता है अपने बच्चे के साथ। हालांकि इनके परिवार का ये कहना है कि इनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। अपने बच्चे का पिताजी जो है वो अपने बच्चे का इलाज करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। उनकी बहन भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है, लेकिन दो दिन से जो है बिट्टू शर्मा लापता है और अभी तक इसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। और लगातार जो है वो अपील कर रही है, मीडिया के द्वारा जो है वो अपील की जा रही है कि कहीं पर भी आपको ये बिट्टू शर्मा दिखते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर जो है, संपर्क नंबर जो है वो साझा कर चुके हैं आप जो है कैप्शन पर। अगर आपको कहीं पर भी दिखते हैं तो कैप्शन पर कॉन्टेक्ट नंबर पर जो है वो संपर्क जरूर करें। फिलहाल इनकी बहन से बातचीत करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया देवी है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 80 प्लस होगी। तो मैम, हम जम्मू में उसका इलाज करवाने के लिए आए, हमने सोचा कि उसकी दवाई खत्म हो गई है। तो एक्चुअली मैं वहाँ दवाई लेने के लिए, मैं, पापा और मम्मा और ब्रदर, चार जने आए थे हम लोग। हमने सोचा चलो उसकी दवाई 4 महीने की ले जाते, क्योंकि जम्मू में गर्मी बहुत पड़ती है, क्योंकि वो चल भी नहीं ज्यादातर, चल नहीं सकता ज्यादातर, क्योंकि 2 मिनट चलेगा तो पानी मांगेगा, कुछ होगा तो कुछ खाने के लिए मांगेगा। आज मुझे अफसोस है कि वो पता नहीं कौन सी जगह कहाँ पर होगा, किससे क्या मांग रहा होगा, खाने के लिए किसी ने कुछ दिया होगा या नहीं दिया होगा। जब आप जम्मू में पहुंचे थे तो कहाँ पर रह रहे थे? हम चांदनी नगर गुरुद्वारे में थे मैम, वहाँ चांदनगर, हाँ जी, वहाँ पर ठहरे हुए थे। तो मैम वहाँ से वो कोई 10 तारीख को, कोई दोपहर को 2:30 बजे उसने खाना खाया। टाइमिंग पूरी नहीं है ये, क्योंकि कैमरा आगे पीछे भी हो सकता है। पूरा टाइमिंग 10 तारीख से लापता? हाँ, 10 तारीख से लापता। आज 5 दिन हो गए मैम लापता हुए उनका, उनका कोई भी पता नहीं चल रहा है। पुलिस स्टेशन के हम लगातार चक्कर काट रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर हम, मैंने उनको, पुलिस वालों को कहा कि आप चाहो सर तो जमीन में से भी कुछ भी अगर गिरा हो तो वो भी निकाल सकते हो, वो कहते नहीं, उनके पास फोन नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, हम कैसे कॉन्टेक्ट करें किसी के साथ। मैं पुलिस वालों से यही कहना चाहूंगी कि सर, अगर आपका बेटा गुम हुआ होता, उसके पास अगर फोन नहीं होता तो आप क्या करते? आप ढूंढ सकते थे ना। तो सर आपसे भी अपील, हाथ जोड़कर, मैं आपके बारे में कोई बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ, एक बहन का दर्द बता रही हूँ। हाथ जोड़कर आप पुलिस वालों से भी विनती है, सर से, डीसी सर से विनती है, एसएसपी सर से विनती है कि कृपया करके सर हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा ब्रदर मुझसे मिला दीजिए, क्योंकि मेरे फादर साहब 5 दिन से थे, कुछ खाया नहीं था उन्होंने, पिया नहीं था, उनको चलने की हालत में नहीं है वो। आप देख सकते हो उनको भी कि उनकी हालत नहीं है। किसी को भी कहीं भी मिलता है, गाड़ी में मिलता है, ऑटो में मिलता है, बस स्टैंड पे मिलता है, कहीं गली में घूमता हुआ मिलता है, तो कृपया करके हमें मिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जम्मू बहुत बड़ी सिटी है, आप लोग चाहो तो मिला सकते हो, क्योंकि आप लोग एक दूसरे की सहयोग से कुछ भी हो सकता है। हम आपके पास भी आए, आपने हमारी हेल्प की मैम, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने। बहन इस समय जो है वो फरियाद लगा रही है, गुहार लगा रही है अधिकारियों से जल्द जो है वो उनके भाई को ढूंढा जाए। केवल कुल मिलाकर जो है वो 5 दिन हो चुके हैं, यानी कि 10 तारीख को जो है वो बिट्टू शर्मा लापता हुआ है और अभी तक बिट्टू शर्मा का कोई भी पता नहीं चल पाया है। कहीं पर भी आपको बिट्टू शर्मा दिखते हैं तो संपर्क जरूर कीजिएगा। उन्होंने जब आपकी आखिरी बात हुई थी, क्या पहना था मैम? उन्होंने पहनी है चॉकलेट कलर की पैंट पहनी है, ब्लैक कलर का शूज जैसे पापा ने पहना हुआ है वैसा पहना हुआ है उन्होंने, और मैम उसके पाँव पे कुछ दाना जैसा निकला, हम उनका भी ट्रीटमेंट करवा रहे थे। एक्चुअली उसको कुछ मैम ने कहा, डॉक्टर मैम ने, कि इसको ये ट्यूब वगैरह लगाते रहना, हमने ट्यूब भी लगा के अंदर रखी हुई है। एक्चुअली हमें क्या पता था कि ये 10 तारीख से लापता हो जाएंगे, अगर हमें ऐसा पता होता तो हम एक्चुअली कुछ करते, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। पापा को थोड़ी नींद सी आ गई लेकिन वो वहाँ से भाग गए, उनका पता ही नहीं, गुरुद्वारा से ही लापता। हाँ, गुरुद्वारे से बाहर आए, एक दुकानदार है उनसे उन्होंने 10 रुपए लिए, तो होटल वाले से उन्होंने 10 रुपए भी दिए उनको, एक दुकानदार से चिप्स की कुछ मांग रहा था उसने नहीं दिया। एक्चुअली अगर वो दे देता तो हो सकता वो वापस आ जाता वहां से, तो वो वहां से चले गए, उनका कोई पता नहीं चला। 10 मिनट के बाद पापा भी नंगे पांव भागे उसके पीछे, लेकिन एक्चुअली कोई पता नहीं चल रहा है कि कहां गए, किस जगह गए वो। आप सबको अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि एक बहन से भाई को मिलाने की कोशिश कीजिए, एक पिता को बेटे से मिलाने की कोशिश कीजिए। आप जान सकते हो कि एक दर्द होता है, एक बहन का क्या दर्द हो सकता है आपसे।
देखिए बहन जो है वो फरियाद लगा रही है, गुहार लगा रही है कि बिट्टू शर्मा जो उनके भाई है, 25 साल उनकी उम्र है और ये यही गुहार लगा रही है और यही आप सबसे उम्मीद कर रही है कि कहीं पर भी अगर आपको बिट्टू शर्मा दिखते हैं तो उनकी जानकारी इन्हें जरूर दे, क्योंकि परिवार जो है वो इस समय बेहद ही बुरी हालत में है। क्योंकि डोडा के आपको बता दें कि कुल्हाड़ जिला के, मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, डोडा जिला के कुल्हाड़ इलाके से जो है ये ताल्लुक रखते हैं, वहां से इलाज करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, जम्मू में आए हुए थे और जिस प्रकार से जो है यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर इलाज करने के लिए पहुंचते हैं और इलाज करने के बाद जो है यानी कि 10 तारीख को वो लापता हो जाते हैं और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। और तस्वीर मैं एक बार जो है वो आपको दिखाना चाहूंगी, आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं, बिट्टू शर्मा इनका नाम है और 25 साल इनकी उम्र है और ये उनकी बहन जो है वो यहाँ पर पहुंची है और लगातार जो है वो यही गुहार लगा रही है अधिकारियों से, पुलिस से, कि जल्द से जल्द उनके भाई को जो है वो ढूंढा जाए। उनके पिताजी भी यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं और जिस प्रकार से इलाज के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन बिट्टू शर्मा यानी कि जिनका इलाज चल रहा था, जिनका जिनके लिए जो है मेडिसिन लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, वही लापता हो चुके हैं। तो कहीं पर भी आपको मिलते हैं तो इन्हें जो है वो संपर्क जरूर करें, क्योंकि परिवार इस समय बेहद ही बुरी हालत में है और अपने भाई को ढूंढने के लिए बहन देखिए आप किस प्रकार से जो है वो फरियाद लगा रही है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कहीं पर भी आपको पता चलता है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन जाकर आपके जो नजदीक पुलिस स्टेशन है वहां पर संपर्क करें या फिर कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिया हुआ है इस पर संपर्क जरूर करें। नमस्कार।